बिहार में नीतीश के पुराने घर वापसी से क्या एनडीए को होगा फायदा या लेफ्ट मारेगी बाजी। संवाद इंडिया के चुनावी स्पेशल कवरेज में पिछली कड़ी में हमने बात की थी यूपी की, और अब इस कड़ी में बात करेंगे बिहार के लोकसभा की 40 सीटों की। जी हाँ, वही बिहार जो राजनीति का केंद्र पहले भी था और शायद आज भी देश में राजनीति के लिए खास स्थान रखता है। कभी लालू यादव का पूरे बिहार पर कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेडीयू के नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया और फिर एनडीए में अपने पुराने घर वापसी कर ली। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले जिनका गुणगान कर रहे थे, अब एनडीए में आकर नीतीश कुमार लालू और उनके परिवार और लेफ्ट के लोगों को बुरा बता रहे हैं। उधर लेफ्ट को मजबूत करने के लिए राहुल ने पिछले दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत बिहार में यात्रा की। अब बिहार में लालू के लाल तेजस्वी यादव ने सद्भावना रैली निकालकर हर जिले तक अपनी पहुंच बना रही हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां अभी से लगी हैं। बिहार के लोकसभा सीट से जीते गए कई लोग केंद्र में मंत्री रहे हैं, जिसमें राजीव प्रताप रूडी, पशुपति पारस, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे आदि शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए से जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव लड़ा, साथ ही उनका साथ एलजेपी ने भी दिया था। जबकि 2024 में नरेंद्र मोदी की लहर में बिहार की कुछ और ही स्थिति रही। नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैली के बाद बीजेपी को 2014 में 22 सीट, लोजपा को 6, रोलसपा को 3, जेडीयू को 2, राजद को 4, राकंपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। उस समय पहली बार बीजेपी बिहार में इतनी बड़ी सीटें निकाल पाई थी। तब नीतीश कुमार बीजेपी से बगावत कर एनडीए से अलग हो गए थे। अब फिर से नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर चुके हैं। अब देखना होगा कि इस बार बिहार की लोकसभा की स्थिति क्या है। नीतीश के वापस आने के बाद चिराग पासवान का भी सुर बदल गया है, तो देखना होगा कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में किसको कितनी सीट मिलेगी।